फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं फाइनली आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि इतने दिन से नहीं हो पा रहा था मेरा मॉर्निंग वॉक। तो मैंने कल सोचा, बहुत डिसाइड करने के बाद मम्मी भी बोल रही थी कि तू आजकल जा नहीं रही है करके, तो मैं आज आई गई हूँ। फाइनली उठ गई थी मैं आज 5 बजे का अलार्म लगा रखा था मैंने, तो अलार्म बजा फिर मैं आई गई आज घूमने के लिए मॉर्निंग वॉक पे। तो ये लेटा हुआ है यहीं पे। सुबह जैसे मैं घर से बाहर निकली वैसे ही आ गया था ये भी घर मेरे साथ साथ। फिर ये तब से जब से मैं यहाँ पे घूम रही हूँ तब से इधर ही लेट रखा है, लेकिन वहाँ जाती हूँ तो नहीं हो पाता मेरा। पर आज से मैंने स्टार्ट कर ही दिया, तो अब मैं डेली मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी। जब तक मैं कहीं जाने का मेरा प्लान नहीं बनता, क्योंकि मैं कहीं और चल जाती हूँ ना तो मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो जाके बाकी हो चुकी है मेरी मॉर्निंग वॉक, मैंने लगा दी 6-7 चक्कर इसी रोड पे वहाँ तक। तो जाके और बस अब चलते हैं घर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है 6। फिर घर जाऊंगी मैं, फिर ग्रीन टी बनाएंगे, फिर पियेंगे, फिर सफाई उफाई करते करते टाइम हो जाता है, क्योंकि अब गर्मियों के दिन आ गए तो पता ही नहीं चलता सुबह का। तो जाके और मम्मी भी शायद दूध लेने के लिए चले गई होगी, क्योंकि मम्मी इस टाइम तक चल जाती थी दूध लेने के लिए, तो चले गई होगी। मैंने अभी देखा नहीं है मम्मी को, वो घर जाके पता चलेगा कि गई है कि नहीं गई है मम्मी दूध लेने के लिए। तो अब सीधा चलते हैं घर। और ये पता नहीं कहाँ गया, नहीं वहीं पर खड़ा है, देख रहा है पर पता नहीं आता नहीं आता। लालू आ, दिख रहा होगा आपको, दौड़ लगा के आ रहा है। तो अब चलते हैं घर। वो सामने कुत्ता दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है कहाँ चढ़ रखा है, वहां से भौंक रहा है, कहीं ढोल बजने की आवाज आ रही है कल, क्योंकि उधर शादी होती, जब हम घूमने जा रहे थे तो उधर शादी होती नीचे की तरफ, तो बारात आई होगी शायद, क्योंकि लड़के की शादी थी तो जाके। और मम्मी अब जा रही है दूध लेने के लिए। जब मैं घर के अंदर आई तो अब जा रही थी मम्मी की, बोलते हैं अब जाऊंगे मैं दूध लेने के लिए, तू बड़ी जल्दी आ गई घूम के। तो मैंने बोला मैं आज जल्दी चले गई थी, क्योंकि और दिन में थोड़ा लेट जाती थी, तो इसलिए लेट आती थी घूम के, मतलब 6:15 तक आ जाती थी, पर आज मैं 6 बजे तक ही आ गई घर। तो जाके क्योंकि आज मैं जल्दी चले गई थी। तो और ये देखना वो कुत्ता था एक यहाँ पे, उसके पीछे पीछे भाग गया काटने के लिए, इसको भी चैन नहीं है, मैंने इसको रोटी दिन नहीं खा रहा है, भाग गया। दिन के खाने में बनेगा छंचा, जो कि मम्मी बनाएगी, है ना मम्मी? क्योंकि मेरा मन है छंचा खाने का, मैंने खाया नहीं है, खाया भी होगा तो मुझे पता नहीं, तो कभी खाया होगा मैंने बचपन में, पर उसके बाद से नहीं खाया। यहाँ बनाया था एक दिन मम्मी ने छंचा, उस दिन मेरा बर्थ था, तो मैंने बोला मेरे छंचा बनाना, मैं भी खाऊंगी। तो आज बनाएगी मम्मी छंचा, पहले इधर मलाई छोल रही है मम्मी, इधर क्या बनाएगी छाछ इसकी, तब उसके बाद बनाएगी छंचा। और ये रही मम्मी, मम्मी अपनी नींद पूरी करके आ रही है, क्योंकि आज नींद पूरी करी मेरे जरूरत नींद है। मम्मी तरबूज तरबूज काटा था मैंने, फ्रूट काटते हैं हम लोग, तो नहीं दे रहा था आपको तो सोने दिया, मैंने तो सिर्फ प्लेट रख दी थी, फोन लेके चलेगी, क्योंकि बिक्की जी गांव जा रहे, तो बिक्की जी घर दिखा रहे थे, मैं मम्मी को दिखा रही थी, तो बोल देते ना कि मैं सो रही हूँ। अरे बिक्की जी गाँव, क्योंकि बिक्की जी गाँव जा रहे तो घर की चाबी पूछ रहे थे, घर की चाबी गाय, तो मैंने कहा मम्मी के पास है तब जाके, तो हमारे गांव में तो जा रहे हैं वो, मैंने बोला नहीं मनोज भाई की लड़की की सगाई है आज, तुम्हारे गांव में तो? हाँ मनोज भाई हमारे गांव के है ना, मतलब भैया लगते हैं हमारे, तो वहाँ बात तो आज सगाई है वहाँ कुकी की, तो वहाँ जा रहे थे जीजा। और ये रही मम्मी, और मैं कुछ बोल रही थी, हाँ मम्मी आज अपनी नींद पूरी कर रही है, क्योंकि आज आ रहे हैं पापा, फालतू बकवास ना करो, मम्मी नींद पूरी कर रही है क्योंकि आ जा रहे पापा, क्योंकि अब पहले तो 2-3 दिन से मम्मी को बहुत याद आ रही थी ना पापा की, इसलिए तो आ जा रहे पापा, आधे रास्ते पहुंच गए पापा मतलब 4:30 या 5 बजे तक पहुंच जाएंगे घर। तो जाके और मम्मी अभी पहले छाछ छोड़ेगी, फिर उसके बाद बनाएंगे छंचा, तो मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी कैसे बनाएगी छंचा, मैं भी सीखूंगी छंचा बनाना, मेरे को भी नहीं आता है। मक्खन निकाल के मम्मी डालेगी इसमें पहले का मक्खन रखा हुआ है, ये इतने सारे मक्खन हो गए बोले हमारे घर में, बहुत सारा मक्खन चाहिए, घी चाहिए, इधर आ जाना। सुन लो भाई मम्मी क्या बोल रही है, जिसको घी मक्खन चाहिए होगा इधर आ जाना। मम्मी ने हरी भुज्जी भी काट रखी है छंचा में डालने के लिए, धुल के चढ़ा दिए चावल, और इसमें डाल रही है मम्मी हरी भुज्जी, मसाला। अच्छा मम्मी बोल रही जब पक जाएगा चावल और भुज्जी पक जाएगी तब उसके बाद डालने इसमें मसाले जो भी डालने हैं। और छंचा झुंगुर के बनते, झुंगुर बोलते हैं ना, झुंगुर के बनती है छंचा, पर यहाँ मम्मी चावल का बना रही है, क्योंकि हमारे पास वो अभी है नहीं, तो कहाँ से लाएंगे हम, तो मम्मी इसलिए चावल से ही काम चला रही है, क्योंकि मैंने बोला है तो इसलिए बना रही है, मैं तो नहीं बनाती, नहीं बनाते, जब मन करता तब बनाते,
ऐसा कुछ नहीं कि मेरे बोलने पे ही बना रहे, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। नहीं नहीं तो सासा बेइज्जती कर रही हूँ मम्मी। खीरा और लहसुन भी थीज रखा मम्मी ने छंचे में डालने के लिए, ये डालेगी मम्मी। अब ये मम्मी ने रख दिया इसमें मिर्च, कटोरे में रख रही है मम्मी सारे मसाले जो भी छंचे में डालने हैं। डाला मम्मी ने धनिया पाउडर, मैंने इसमें हल्दी डाली और ये जीरा पाउडर, ये सब्जी मसाला, ये गरम मसाला है पर बादशाह वाला है, इसकी बहुत गंदी स्मेल आती है, मतलब अच्छा नहीं होता है। ये काली मिर्च का पाउडर डाला मम्मी ने, इसमें थोड़ा आटा भी डाला है मम्मी ने, और ये छाछ जो कि मम्मी ने अभी और बनाई, तो ये सब मिक्स कर रही है मम्मी अभी। जेगले हमने जो डाल रखा उसका सारा पानी सूख चुका है, अब मम्मी डालेगी इसमें ये मसाला, फिर उसके बाद डालेगी छाछ। डाल दिए मम्मी ने सारे मसाले इसमें और ये जा रही है इसमें छाछ। मम्मी अभी इसमें डाल रही है नमक स्वाद अनुसार। तो मम्मी बोल रही जब तक ये थड़केगा नहीं तब तक इसको हिलाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये बन जाएगा तैयार है खाने के लिए एकदम रेडी। तो ये बन गया है छंजिया। ये सामान आ रखा है गाउन से, ये साड़ियाँ पापा जहाँ शादी में गए थे वहां से। इसमें क्या मम्मी कौन सा जूस? बुरांस का। इसमें बुरांस का जूस है, ये छाछ है और घी है और इनमें फल, ये पापा लेके आए होंगे। अब पापा भी आ गए। मम्मी गई थी कहाँ पे? मेन रोड पे लेने के लिए। मेन रोड पे लेने गई थी मम्मी। ममता ने जीन्स ऑर्डर कर रखी है, आज ही आई है फ्लिपकार्ट से। मैंने इसको बोला इसमें से कलर निकलेगा बहुत ज्यादा, तो कह रही मैं इसको धोऊंगी नहीं, सिर्फ पहनूंगी और सुखा कर फिर वापस ले आऊंगी नीचे। तो जाके वैसे तो ठीक है, इसका कपड़ा अच्छा है, मतलब 450 की जीन्स है, अच्छा है, फ्लिपकार्ट से लिया है ममता ने। ये देखिए गाइस, हमको कंकाल टाइप का कुछ मिला है यहाँ पर, ये पत्थर है, दूर से कंकाल दिख रहा था हम लोगों को। तो मेरा चश्मा ममता पहन के देख रही थी, ममता को नहीं दिख रहा था कि कंकाल है कि पत्थर है वो, तो मैंने ममता को दिया। और हम इधर रोड से खेत पे गए थे उसको देखने के लिए, क्योंकि दूर से ना कंकाल जैसा दिख रहा था एक साइड से। तो हम लोग चले गए घूमने के लिए, मतलब घर से निकल चुके हैं हम घूमने के लिए, आधा घूम भी चुके हैं, रोड से होते हुए अब घर जाएंगे हम लोग। और आज है फ्राइडे मार्केट, मार्केट लगा हुआ है इधर और बहुत ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक है इधर, अभी उधर लगा है मार्केट। तो ममता बना रही है मैगी, कप वाली जो नूडल्स आते हैं वो बना रही है ममता। और ये रही ममता, ममता ने उधर रखा है पानी गर्म करने के लिए, जिसमें हम ग्रीन टी के लिए पानी गर्म करते हैं, फिर उसके बाद डालेंगे एक ममता का एक मेरा। ये कौन आया? आया डॉन, छोटा डॉन, छोटा डॉन आया। ये सब्जी लेके आई मम्मी, तो खाली हो रखा थैला, लाए हुए कुछ कितना प्रकार का। ये मम्मी लेके आ चुकी है सब्जी, आज मम्मी गई थी फ्राइडे मार्केट, ये मम्मी कुछ लेके आई है शुक्र बाजार से। हम इसको खोल के देख रहे हैं क्या है इसके अंदर, क्या है ये कुर्ती? भाई मम्मी को आजकल बहुत शौक चढ़ा है कुर्तियां खरीदने का, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये मम्मी लेके आई है फ्राइडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट में ठीक ठाक कपड़े मिलते हैं, मतलब डेली यूज के पर्पज से तो बहुत अच्छे मिलता है, और इधर उधर के कपड़े भी ले सकते हो आप, पर देखना पड़ेगा आपको, ढूंढना पड़ेगा। तो मम्मी लेके आई है कुर्ती जो हमने खोल दी है मम्मी, क्योंकि अभी थोड़ा बाहर फिर गई है, पता नहीं कुछ पापा ने मंगा रखा सामान, तो जाके हो चुका है हमारा पानी गरम। और वही ममता डाल रही है, इतना डाल दिया पानी, अब मैं अपने उसमें डालूंगी। इधर हमने ढक के रख रही है अपनी मैगी, क्योंकि 3 मिनट ढक के रखना है तो जाके फिर उसके बाद खाएंगे हम। इससे ज्यादा तो हम मैगी बना लेते, 2 मिनट में बन जाती। 2 मिनट में प्याज टमाटर काटने में लगते, अरे तो सिंपल बना बोलते हैं वो 2 मिनट, सिंपल बनाते तो बन जाती भाई, इतनी देर तक ये पानी गर्म किया फिर अब इसको ढक के रखो। यहाँ भी मैगी का ऐड चल रहा है, अभी हमारी बनी नहीं है मैगी, ढका के ही रखी है भाई। तो ममता चेक कर रही है, भाई तो तूने ज्यादा भी तो डाला बहुत पानी, बन चुकी है, बन गई है मैगी, तो अब हम खाते हैं मेरी ये री। भाई तूने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया है, इसे ममता ने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, ये सुर्रे वाली मैगी, इसके लिए हमें दूसरी चम्मच भी लेके आनी पड़ेगी। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल, कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।